पढ़ चुके थे लाइफ में, इंटर सेकंड लाइफ हम लोगों ने स्टडी किया है, बैचलर लाइफ में हम लोगों ने पढ़ लिया है बेटा, कॉन्क्यूरेंट लाइफ भी पढ़ ली है। आज हम लोगों का टॉपिक है लाइन सेगमेंट। क्या टॉपिक है? क्या होता है लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट समझने के लिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा लाइन। तो लाइन हम सब लोगों को पता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन इनफिनिटली। इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी पॉइंट्स ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन इनफिनिटली, दिस इज लाइन। और इसी लाइन से अगर मैं कोई फिक्स लेंथ डिडक्ट कर लूं, कोई फिक्स लेंथ डिडक्ट कर लूं, सपोज कीजिए इट्स अ लाइन, इट्स अ बिग लाइन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? वी कांट से, इट इज इनफाइनाइट बिकॉज इट कंटिन्यूअसली ट्रेवल इन बोथ द डायरेक्शन। सो वी कांट से दैट इट इज एक्चुअल द लेंथ ऑफ द लाइन। लाइन का कोई एक्चुअल लेंथ नहीं होता, एक्चुअल लेंथ नहीं होता, इट ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, ये दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू ट्रेवल करता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो फिर हम इसमें से किसी भी फिक्स लेंथ की पार्ट को डिडक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये डिसाइड किया कि लाइन में से मुझे 4 सेंटीमीटर का एक पार्ट चाहिए। पार्ट बोले तो टुकड़ा, और टुकड़े को बोलते हैं सेगमेंट। टुकड़े को क्या बोलते हैं आप? इट्स अ हॉल। इस हॉल के मैं 3 सेगमेंट कर सकता हूँ, इसका मतलब इस हॉल के मैं 3 टुकड़े कर सकता हूँ। उसी तरीके से मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इस लाइन से 4 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ये, और यहाँ से स्केल रख के 4 सेंटीमीटर मैंने मीजर कर लिया। सपोज यहाँ आएगा बी, अब ये जो ए बी है, ए बी कॉस्ट क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ये कहाँ से डिडक्ट हुआ? सपोज ये लाइन ऐसी, ये ए बी कहाँ से डिडक्ट हुआ? ए बी हैज बीन foundation towards that if they have, if this part already has been done.
distracted from the lines and we can't go ahead, we can't increase both the lines in both the directions. There is no foundation like this in front of us. If a deduction has been made from a line and now the question is to us to increase the line segment in both the directions. So is it possible for me or for anybody? Yeah, it's possible. इसमें कोई ऐसा geometrical rule नहीं है कि भैया possible ही नहीं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप बताइए, A, B, C में A, B, B, C और A, C line है कि line segment है? क्या है? Line segment है. क्यों? क्योंकि A, B, B, C और A, C का fixed length है. अरे fixed length है ना? तो AD, AD, BC और AC ये तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या है? तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या है? लाइन सेगमेंट. तीनों के तीनों एक्चुअल में क्या बेटा? लाइन सेगमेंट है. क्या है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट है. सिमिलरली इफ मैं ड्रॉ अ स्क्वायर, सी ए line or line segment? आपको clear दिख रहा है? यहाँ से यहाँ तक fix ही है ना? अरे fix length है? और line segment का length fix ही होता है? अरे आया समझ में नहीं आया? Yes sir. तो ये भी यहाँ भी line segment कौन कौन से बताइए? चाहिए होना है. सपोज किसी बी से ही लाइन सेगमेंट ट्रेवल करने लग जाए,
एडी सेगमेंट को आप लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एडी को ऊपर रे लगाते हैं, इसे क्या दिख रहा है, ए के डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं हो रहा है, ए से बी के डायरेक्शन में ट्रेवलिंग हो रही है। बात समझ में आ गई? अगर ऐसा होता, लाइन सेगमेंट होता ऐसा, ये सपोज करिए ऐसा है लाइन सेगमेंट ए बी और डायरेक्शन ये होती ट्रेवल की, तो ए बी लाइन सेगमेंट लिखो या बी ए लाइन सेगमेंट लिखो, इसमें कोई फर्क पड़ता था क्या? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था, ए बी लाइन सेगमेंट लिखी है, बी ए लाइन सेगमेंट लिखी है, इसमें कोई चेंज नहीं होता था। लेकिन अब रे को लिखने में प्रॉब्लम है भैया। कैसी प्रॉब्लम है? अब हम लोग अगर मैं ए बी रे लिखूंगा तो दिक्कत है, क्यों? क्योंकि रे में डायरेक्शन फिक्स होता है, रे में हम डायरेक्शन को फिक्स करके दिखाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ए से ट्रेवल हो रहा है बी की तरफ, लेकिन एक्चुअल में डायग्राम में देखिए ट्रेवल ए से बी की तरफ नहीं हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है बी से ए की तरफ। इसलिए ऐसा लिखना गलत होगा। अब सही लिखना क्या होगा? बी ए ये और ये क्लियर हो गए अच्छे से? रे समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम लोगों ने तीन चीजें एक जैसी पढ़ ली जो कि एक दूसरे से डिडक्टिव है। पहली चीज क्या पढ़ी हमने? लाइन। दूसरी चीज हमने पढ़ ली लाइन सेगमेंट, और तीसरी चीज हमने पढ़ी री। ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ी और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर लें, तीनों के बीच में कंपैरिजन पढ़ लें। तो देखिए तीनों के बीच में हम लोग कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इसके बेस पे बहुत सारे ट्रू फॉल्स आते हैं आपको करने के लिए। तो सबसे पहले तीनों का डायग्राम देखते हैं। डायग्राम, डायग्राम के बेस में क्या डिफरेंस है? तो देखिए डायग्राम के बेस में लाइन कैसे बनती है? लाइन बनती है ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शन इनफाइनाइटली। सेगमेंट कैसा बनता है? दोनों का फिक्स एंड होता है। रे कैसा बनता है? एक फिक्स एंड होता है और एक तरफ ट्रेवल होता है। अरे बात नहीं, ये हो गया डायग्राम। दूसरी बात करते हैं लोग एंड पॉइंट्स की। एंड पॉइंट्स की बात कर लें, इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन में कितने एंड पॉइंट होंगे? नो एंड पॉइंट, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है भैया। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट, रे में वन एंड पॉइंट, एक ही है ना, एक तो खत्म ही हो गया। अब हम लोग बात करें लेंथ की, क्योंकि लेंथ की, लेंथ भी भैया बहुत बार कंसिडर किया जाता है। तो लाइन की क्या लेंथ होगी? मैं इनफाइनाइट ट्रेवलिंग हो रही है तो इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ, पर फिक्स लेंथ नहीं है, नो फिक्स, नॉट फिक्स्ड, है ना, कोई फिक्स ही नहीं है, नो फिक्स्ड, इधर फिक्स्ड, फिनिट मतलब फाइनाइट, एफ आई एन आई मतलब फिक्स, फिक्स्ड। अरे फिनिट मतलब एक मिनट, मतलब की बहुत सारी है, फिनिट है ना फिक्स, ठीक है, और रे में इनफाइनाइट, तो ट्रेवल होने लग गई ना, कोई फिक्स लाइन भी नहीं है। तो ये तीन बेसिक डिफरेंसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा ही आते हैं, तो इसको राइट करें। अब चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, ध्यान से कोलीनियर, कोलीनियर पॉइंट क्या होते हैं? कोलीनियर पॉइंट तो सुनिए ध्यान से, तीन या तीन से ज्यादा, दो की बात नहीं है, क्योंकि दो तो, दो लाइन तो हमेशा ही कोलीनियर, दो पॉइंट तो हमेशा ही कोलीनियर होंगे, लेकिन हम तीन की बात कर रहे हैं, तीन या तीन से ज्यादा पॉइंट्स को हम कोलीनियर कहेंगे यदि वो सारे पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में हो तो। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? अगर कोई पॉइंट है, एक यहां है और एक यहां है, दो दो
फिक्स लाइन में है ना, देखिए दो पॉइंट की बात करो तो फिक्स लाइन में ही है, अगर वो यहाँ है यहाँ है तभी भी फिक्स लाइन में है, तो दो पॉइंट्स की बात ही नहीं है, दो पॉइंट्स तो हमेशा क्या होंगे, टू पॉइंट्स जो है हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर ही होंगे, टू पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर ही होते हैं, इसलिए डेफिनेशन टू पॉइंट्स के लिए बनी नहीं, डेफिनेशन टू पॉइंट्स के लिए नहीं बनी है कोलिनियर की, टू पॉइंट्स के लिए नहीं बनी है, डेफिनेशन किसके लिए बनी है, तीन पॉइंट्स के लिए बनी, कैसे बनी ध्यान से देखिए, ध्यान देखिए, एक पॉइंट यह है, एक पॉइंट यह है और एक पॉइंट यह है, अभी क्या तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट पाथ में है क्या, एक स्ट्रेट लाइन में है क्या, तो ये कोलिनियर नहीं है, चलो ट्राई करके देखिए, चलिए यहां से यहां पहुंचे, ये एक स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट पाथ में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो इसका मतलब सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये जो सेटलमेंट है एबीसी का, ये भी कोलिनियर नहीं है, तो एबीसी कोलिनियर नहीं होंगे, ये पॉइंट्स भी कोलिनियर नहीं है, फिर क्या सीन है भैया, सीन ऐसा है कि अगर यहाँ होता, यहाँ होता और यहाँ होता, ऐसा होता कुछ ए बी सी, ऐसे अरेंज होते कि तीनों के तीनों एक स्ट्रेट पाथ में आ जाते, कैसे, ऐसे ए से बी और बी से सी, अब ये कोलिनियर है, अरे बात समझ आ गई, ये कोलिनियर है, तो डेफिनेशन क्या बोलती है, थ्री फोर भी फोर फोर पॉइंट का भी वही रहेगा ना, थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट, थ्री पॉइंट स्ट्रेट लाइन आर कोलिनियर इफ ऑल आर ए सिंगल पाथ, पाथ को क्या बोल सकते हैं, लाइन भी बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ एक ही बात, क्लियर हो गई बात, तो ये सीन क्लियर हो गया, अगर पॉइंट पॉइंट्स की एग्जांपल्स लाइक एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, तो ये भी क्या होंगे, ए बी सी डी, ये देखिए कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है, अब इसके कुछ एप्लीकेशन देख लें क्या, अब थोड़ा सा एप्लीकेशन की बात करते हैं, हम थोड़ा आइडेंटिफाई करें अपन, अब बताइए एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, थ्री, अब ये मत पूछना भैया, अब ये सब पूछना नहीं मुझसे, वर्टेक्स क्या और इंटरसेक्शन पॉइंट क्या और ये सब चीजें, अब मैं धड़ाधड़ बोलूंगा और ये पूछूंगा नहीं कि इसे की समझ में आया कि नहीं आया, अब ये चीजें मैंने बहुत खुल के समझाई ये चीजें, है ना, ट्राइंगल में तीन वर्टाइसेस होते हैं ए बी सी, ट्राइंगल में तीन वर्टाइसेस हैं, क्या तीनों वर्टाइसेस कोलिनियर है क्या, नो सर, अभी क्लियर हुआ, तीनों वर्टाइसेस कोलिनियर नहीं है, कोई है क्या, नो सर, आपके रूम की विंडो बना देता हूं मैं, ये देखिए आपके रूम की विंडो ऐसी होती है, एक रॉड होता है ऐसे आता है, एक रॉड होता है ऐसे आता है, एक रॉड होता है ऐसे आता है, देखिए इस रोड में एक इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, yes, sir. इस रोड और इस रोड का इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, ए बी सी डी, ये किसका फोटो बना रहे हैं, विंडो का डायग्राम है, अब विंडो का डायग्राम में देखिए ए बी सी डी कोलिनियर है क्या, है कोलिनियर है क्या, ये दिख रहा आपको, तो उसमें जितने पॉइंट्स हैं वो सब कोलिनियर है, मतलब उन्होंने रॉड को कोलिनियरली अरेंज करके रखा हुआ है, अब सपोज किसी विंडो कुछ और हो गया, लाइक ऐसा हो गया विंडो, ये तो रेक्टेंगुलर ठीक है, लेकिन इंटरनल अरेंजमेंट हमने ऐसा भी अरेंजमेंट ठीक किया है, उन्होंने ऐसे भी रॉड्स लगाए, लेकिन अब अंदर क्या कर रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, यहां से यहां लेके आ रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, फिर यहां से यहां लेके आ रहे हैं, ऐसा अरेंज कर रहे हैं, रॉड्स कैसा अरेंज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे विंडो स्ट्रक्चर आपके घर का, कितने पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई, तो क्लियर हो गया, ये कोलिनियर है क्या, इस स्ट्रक्चर में
इसी के जैसा ही है ना, इसीलिए हम इसके साथ फिर से डिस्कस कर रहे हैं. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर मैं डिस्कस कर रहे हैं. तो नाम क्या है? Yes, sir. दोनों को क्लियर हो गया? Yes, दोनों के साथ डायग्राम बनाइए.